गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम खुसरो की रिवॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि उसने जहांगीर के अगेंस्ट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंस खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था, जिसका बर्थ 1587 में हुआ था जहांगीर की राजपूत वाइफ मानबाई से। प्रिंस खुसरो बहुत ही हैंडसम और इंटेलिजेंट था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और कॉमन पीपल भी प्रिंस खुसरो को सपोर्ट करते थे। तो प्रिंस खुसरो की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन थी कोर्ट में। अकबर के बहुत सारे नोबल्स और रिलेटिव्स अकबर की डेथ के बाद जहांगीर की जगह खुसरो को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। राजा मान सिंह, जो कि खुसरो का सपोर्टर था, उसे जहांगीर के थ्रू कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, इसलिए वो अकबर की डेथ के बाद अपने नेफ्यू खुसरो को लेकर बंगाल चला जाता है। फिर जहांगीर प्रॉमिस करता है कि वो इन दोनों को माफ़ कर देगा। फिर खुसरो और मान सिंह बंगाल से वापस आते हैं और इन दोनों का कोर्ट में बहुत ही अच्छे से वेलकम किया जाता है। जहांगीर खुसरो को रहने के लिए सेपरेट अपार्टमेंट देता है, जिससे खुसरो को रियलाइज़ होता है कि उसके फादर ने उसे माफ़ नहीं किया है। एक्चुअल में जहांगीर ने अपने बेटे को दिल से माफ़ नहीं किया था। जहांगीर खुसरो के फ्रेंड्स और उसके क्लोज रिलेटिव से बहुत ही रूड बिहेव करता था। इससे खुसरो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ और वो फोर्ट से जाने की प्लानिंग करने लगा। 6 अप्रैल 1606 में खुसरो फोर्ट से चला जाता है। अपने साथ वो 350 हॉर्समैन लेकर जाता है और वो जहांगीर से ये बोलकर जाता है कि वो अपने ग्रैंडफादर अकबर की कब्र पर जा रहा है। हुसैन बेग अपने सोल्जर्स के साथ खुसरो को मथुरा में ज्वाइन कर लेता है। फिर खुसरो दिल्ली की तरफ जाता है। खुसरो रास्ते में शाही खजाने को लूटता है, जिसे आगरा भेजा जा रहा था। फिर बहुत सारे सोल्जर्स खुसरो को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर जहांगीर का पीएम शरीफ खान जहांगीर को खुसरो की एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है। जहांगीर अपने बेटे की इन एक्टिविटीज़ से बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जहांगीर अपने पीएम को ऑर्डर देता है कि वो जहांगीर का पीछा करे, लेकिन फिर जहांगीर अपने माइंड को चेंज कर लेता है और शरीफ खान को खुसरो को पनिश करने का ऑर्डर देता है। जहांगीर अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो अपने बेटे की आर्मी को फेस करने के लिए खुद ही आगे बढ़ता है। खुसरो लाहौर के फोर्ट को कैप्चर नहीं कर पाता है और फिर खुसरो की आर्मी और जहांगीर की आर्मी में बैटल होता है भैरोनवाल में। भैरोनवाल जगह का नाम है। खुसरो पूरी तरह से हार जाता है। फिर खुसरो के सपोर्टर्स उसे इंडिया छोड़ने के लिए एडवाइस देते हैं, लेकिन जब वो जाता है तो रास्ते में ही उसे पकड़ लिया जाता है और जहांगीर उसे जेल में डाल देता है। खुसरो के सपोर्टर्स को भी पनिशमेंट दी जाती है, उसके सपोर्टर्स को फांसी दे दी जाती है और फिर खुसरो को ये सीन दिखाया जाता है। तो गाइज़, ये था खुसरो का रिवॉल्ट। आई होप गाइज़ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।